किसान प्रोटेस्ट क्यों करें, फार्म बिल्स राइट और रॉन्ग, ये एमएसपी क्या है, फार्म बिल्स के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कहती है कि ये बिल्स किसानों की जिंदगी बदल लेंगे, लेकिन फिर भी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, तो सच क्या है? पिछले कुछ वीक्स में हमने अलग अलग स्टेट के फार्मर्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की। एक्चुअल में बिल्स के ड्राफ्ट्स पढ़े, आसान से लैंग्वेज में ये सिंपल वीडियो बनाया विद सम इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स। और मेरी एक गारंटी है कि अगर आप इन तीन एग्जांपल्स को समझ पाए तो आप इन तीन बिल्स के बारे में और भारत के फार्मर्स के सिचुएशन के बारे में क्लियरली जान पाए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये सही है या नहीं, then this video is not for you. क्योंकि असली सच बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो के बीच कहीं होता है और वहां तक सिर्फ कुछ ही सेंसिबल लोग पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आता है, ये इशू इम्पोर्टेंट लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंडिया के इम्पोर्टेंट इश्यूज आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहली बात, किसान गरीब क्यों? क्योंकि हमारे किसान प्राइस टेकर्स हैं। इनपुट्स यानी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फार्मर्स रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं और अपना प्रोड्यूस होलसेल प्राइस पर बेचते हैं, और इन दोनों जगह किसान प्राइस मेकर्स नहीं, प्राइस टेकर्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन। भारत के 70% किसान छोटे किसान, छोटा लैंड यानी कम फसल यानी कम बार्गेनिंग पावर। आफ्टर 1947 जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ और फार्म लैंड छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। मजदूर उन छोटे छोटे फार्मलैंड्स के मालिक बन गए, लेकिन उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी और ट्रेडर्स इसी चीज का फायदा लेते थे। पहले उन्हें लोन देते थे और हार्वेस्ट सीजन के बाद उनसे कम दामों में वही फसल वापस लेते थे। किसान गरीब रहता था क्योंकि उसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। तो सही प्राइस क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसलिए 1960s में जब पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तब आ गए APMCs यानी मंडीज, जिन्होंने फार्म प्रोड्यूस को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा आपसे प्रोड्यूस हम लेंगे, बाकी कोई भी आपसे डायरेक्टली खरीद नहीं पाएगा, और हम ट्रेडर्स को एक लाइसेंस और एक जगह देंगे जहाँ पे वो ट्रेड कर पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि पहले वाले सिस्टम से मंडी बेटर है। मंडी में अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं जो फार्मर के साथ नेगोशिएट करते हैं और फिर रेट डिसाइड करते हैं, कोई 20 पर, कोई 22 पर, कोई 25 पर, फार्मर्स को ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलो आज एक ऐसे ही मंडी में चलते हैं। ये एक टिपिकल मंडी है जहाँ पर प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है, प्राइस डिसाइड हो रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन सारे लोगों में से किसान कौन है? एक बार देख लीजिए, कोई भी नहीं, क्योंकि प्राइस किसान कहाँ डिसाइड करता है, प्राइस तो ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं। किसान आज भी मंडी में प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। ट्रेडर्स ने सोचा कि हे क्यों ना हम सब लोग एक ही प्राइस कोट करें, तो आज का प्राइस है 22 रुपए, सब लोग सेम प्राइस बता रहे हैं, तो किसान एक प्राइस टेकर ही बन गया। दिस मंडी सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। पूरे भारत में कुछ 7000 के आसपास मंडीज है, मेघालय के स्टेट में 11000 किलोमीटर के लिए सिर्फ एक मंडी। नेशनल फार्मर्स कमीशन ने यह कहा था कि मंडी सिस्टम सक्सेसफुल होने के लिए हर 5 किलोमीटर में एक मंडी होना जरूरी है। एज अ रिजल्ट भारत के टोटल प्रोड्यूस में से 40% से भी कम प्रोड्यूस मंडीज में बिकता है। छोटे फार्मर्स तो मंडी तक का ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फार्मर्स अपने ही विलेज में अनलाइसेंस ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, वो जो प्राइस बोले उस प्राइस में। एज अ रिजल्ट आज 4 में से 3 फार्मर्स फार्मिंग छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट में एक अच्छे बायर की जरूरत है जो किसान को एक सही दाम दे। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। फार्म बिल्स यानी कि 3 बिल्स हैं। चलो इन 3 बिल्स के कॉन्सेप्ट्स हम 3 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, टमेटोज फॉर बर्गर्स। मैकडॉनल्ड्स सीधा फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, हमें हमारे बर्गर्स के लिए इस साइज के टमेटोज लगते हैं, तो आप इस साइज के टमेटोज ग्रो करो और हर साल हम आपसे 1000 टन टमेटोज खरीदेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा यही है कि प्राइस पहले से डिसाइड होती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम अगर प्राइस डिसाइड हुई 20 रुपीज और टमाटोज रेडी होते होते मार्केट प्राइस हो गई 10 रुपीज, फिर भी कंपनी को 20 रुपीज में टमाटोज खरीदने पड़ेंगे। द फार्मर विल ओनली गेट 20 रुपीज इवन इफ द मार्केट प्राइस इज 30 रुपीज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इस बिल से पहले भी होते थे, लेकिन मंडी में रजिस्टर होते थे, तो मंडी को इसमें से एक कट मिलता था, एक हिस्सा मिलता था। जब कंपनीज डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील करते हैं तो मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं और दोनों साइड का फायदा होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में फार्मर्स पैसे एडवांस में ले सकते हैं, तो उन्हें लोन नहीं लेना पड़ता। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी कंपनी जिसे 1000 टन टमेटोज चाहिए, वो छोटे छोटे फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करने में, उनसे डील करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो छोटे फार्मर्स के लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनके पहुंच से बाहर। ओके, तो प्रोटेस्ट क्यों? Because a company is powerful. उनके पास लीगल टीम होती है कॉन्ट्रैक्ट्स वन साइडेड बनाने के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं सही प्राइस डिसाइड करने के लिए, और बाद में किसी कंपनी ने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं किया तो फिर से फार्मर के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं। लेकिन इसका सलूशन है, यहाँ एक इंटरमीडियरी बॉडी की जरूरत है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे।
कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े और असली टर्म्स एंड कंडीशंस फार्मर्स को समझाए। फार्मर्स को खुद धीरे धीरे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये पढ़ना सीखना पड़ेगा। डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जो बिल में दिया है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सब मैजिस्ट्रेट के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसे केस में फार्मर के इशू पर ध्यान देना डिफिकल्ट होगा। नंबर टू, अनियंस मेक भारत क्राई। अनियन एक कमाल की चीज है। कभी कभी अनियन प्राइसेस 100 रुपए भी क्रॉस कर जाते हैं और कभी हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जब कोई किसान अपने अनियंस 8 रुपए में बेचकर आ रहा है। ये दोनों तरफा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ट्रेडर्स ज्यादा स्टॉक होने पर अनियंस को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। देखिए, अनियन एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसे स्टॉक करने पर लिमिट्स है। ये लिमिट्स क्रॉस करने पर आपको जेल हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट बनाती है। कोविड के टाइम पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजों को भी एसेंशियल आइटम्स माना गया और उनके होल्डिंग और प्राइस को रेगुलेट किया गया। ये लिमिट कम्प्लीटली वैलिड था क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई बहुत कम था और डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास खाना ही नहीं था। US से वीट आता था और सीधा रेशन की दुकान जाता था। तब अगर कोई खाना होर्ड करता तो एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी होने के चांसेस थे। लेकिन आज भारत में एक दूसरा ही क्राइसिस है, फूड सरप्लस क्राइसिस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बफर स्टॉक्स। जरूरत से ज्यादा खाना है, गोडाउन में पड़ा है। 30 लाख टन्स ऑफ शुगर, 221 लाख टन्स ऑफ राइस, 478 लाख टन्स ऑफ वीट। आज सिचुएशन उल्टी है लेकिन फिर भी लोग भूखे हैं। बिकॉज फूड इज mismanaged। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस में कोई भी ट्रेडर या कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट ही क्यों करे जब कई सारी चीजें स्टोर करना ही इलीगल है। इस वजह से हमारे देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ये सिचुएशन बदलने की जरूरत है। उसके लिए स्टोरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। इस अमेंडमेंट ने इन सारी चीजों का स्टॉकिंग लिमिट हटा दिया है। अगर हॉर्टिकल्चर आइटम्स में प्राइस डबल हुआ और फूड ग्रेन्स में 1.5 गुना तो ये स्टॉक लिमिट्स वापस आ जाएंगे। तो प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि होल्डिंग अभी भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अनियन हार्वेस्ट सीजन में कोई भी ट्रेडर ज्यादा अनियन खरीदेगा क्योंकि सप्लाई अच्छा है, उसे स्टोर करेगा और तभी बेचेगा, तभी बाहर निकालेगा जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। नंबर थ्री, ये एप्पल कहीं भी बिकेगा। आज के सिचुएशन में हिमाचल का एक ऐसा फार्मर जो एप्पल्स ग्रो करता है वो खुद महाराष्ट्र में आकर उसके एप्पल्स नहीं बेच सके। इस बिल की वजह से देश के हर फार्मर को देश में कहीं पर भी जाकर अपना प्रोड्यूस बेचने की परमिशन मिलती है। लेकिन दूसरे मंडीज में नहीं, क्योंकि मंडी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। मंडी में दूसरे स्टेट के फार्मर्स बेच सकते हैं या नहीं, इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एक्चुअली वन नेशन वन मार्केट की आइडिया खुद कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थी। तो लॉजिकली स्पीकिंग इस एक्ट से उन्हें उनके एलाइज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रोटेस्ट क्यों? मंडी में फार्मर्स को टैक्स लगता है जो बाहर बेचने पर नहीं लगेगा। तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स और फार्मर्स को दोनों को मंडी के बाहर ट्रेड करने में फायदा है। इस एडवांटेज की वजह से मंडीज का इम्पोर्टेंस और स्टेट्स को उनसे मिलने वाला टैक्स इन फ्यूचर कम होने के चांसेस है। नया लॉ किसी भी पैन कार्ड होल्डर को ट्रेडर बनने की परमिशन देता है, वेयरएज मंडी में ट्रेडर बनने के लिए कंडीशंस होते हैं। ट्रेडर्स की एक लाइसेंस होती है। मंडी में बाय लॉ किसानों को 1 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना ही पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ मंडी के बाहर होने वाले ट्रेड्स को 3 दिन का क्रेडिट मिलता है। See, we have to admit कि इस चीज का मिसयूज होने के चांसेस हैं। ये सारे कंसर्न्स लूप होल की तरह है जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। एक और मेजर कंसर्न है MSP। MSP is minimum support price। गवर्नमेंट वीट राइस पल्सेस जैसे 23 आइटम्स पर MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि गवर्नमेंट इन सारे आइटम्स को हर किसी से खरीदे गई। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही आइटम्स जैसे राइस और वीट एक्चुअली खरीदती है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को इस MSP का ज्यादा फायदा होता है। फार्मर्स को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स अगर मंडी के बाहर होने लगे तो गवर्नमेंट MSP हटा देगी और मेजरली सारे प्रोटेस्ट इसी डर के आसपास हैं। MSP का कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये फार्मर्स को एक फॉल्स गारंटी देता है। ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स गेट MSP प्राइसेस क्योंकि ट्रेडर्स MSP पे खरीदते नहीं और गवर्नमेंट भी हर साल सारी चीजें प्रोक्योर नहीं करती। जिन क्रॉप्स पर MSP डिक्लेयर नहीं होता उन क्रॉप्स की प्राइस डिस्कवरी का कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है और फार्मर्स का असली प्रॉब्लम यही है। तो सोल्यूशन क्या है? अपने प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए ये फार्मर्स को पता ही नहीं होता। सारे एक्सप्लॉयटेशन का बेस तो यही है, भले वो मंडी के ट्रेडर्स से हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। सही प्राइस क्या है किसे पता होता है? प्राइसेस तो एरिया वाइज बदलते रहते हैं, तो प्राइस डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं? आज आप एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके इंफोसिस की शेयर प्राइस तुरंत देख सकते हो। ये प्राइस सभी को दिखती है और सारे शेयर्स इसी प्राइस पर बिकते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंसी। आज इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। NCDEX और MCX ये दो एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के फ्यूचर्स मार्केट प्राइसेस दिखते हैं। फार्मर्स इन प्राइसेस को बेस रख के अपने प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स का यूनाइटेड ना होना उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर देता है।
अगर गवर्नमेंट असल में ये चाहती है कि फार्मर्स का कुछ भला हो तो उनको फार्मर्स को यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। NECC इंडिया का एक कोऑपरेटिव है जो एग्स के लिए एक इंडिकेटिव प्राइस देता है जो फार्मर्स के लिए भी फेयर और रेमुनरेटिव हो और जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव ना हो। इसीलिए एग्स की रिटेल प्राइस दो एरियाज में अराउंड द सेम रहती है। लेकिन NECC जैसे कोऑपरेटिव्स के लिए फार्मर्स का ज्वाइन होना जरूरी है। फार्मर्स भी एक साथ आकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जहाँ पर सारे फार्मर्स प्रोड्यूस को पूल कर सकते हैं। भारत में आज अमूल की इतनी इज्जत है क्योंकि अमूल ने काफी सारे फार्मर्स को एक साथ लाया और उन्हें एक फेयर प्राइस दिया। इंडिया में FPOs ऑलरेडी हैं जो फार्मर्स को सही प्राइस देने में मदद करती है। FPOs फार्मर्स को एक कलेक्टिव फोर्स बना सकती है। ऐसे FPOs को स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट से फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत है। द पॉइंट इज ये बिल से एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकते हैं लेकिन उनमें जो लूपहोल्स हैं उन पर डिस्कशन होना जरूरी है। किसी भी आइडिया का सक्सेस और फेलियर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। फार्मर्स जिनके फायदे के लिए ये बिल्स हैं, अगर उन्हें ही ये बिल्स उनका दुश्मन लगे तो इन बिल्स का क्या फायदा। जब दोनों साइड से चिल्लाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शोर होता है, फिर दूसरे की क्या खुद की आवाज सुनना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस वी फॉरगेट टू हियर व्हाट वी आवरसेल्व्स आर सेइंग। सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से इस बिल के अच्छे या बुरे साइड्स को देखते हैं और बाकी साइड्स को भूल जाते हैं। अगर सच में ये बिल्स फार्मर्स की भलाई के लिए तो उनके पॉइंट्स क्या है ये सुनने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से फार्मर्स के प्रॉब्लम्स क्या है इस बात पर हम सबका अटेंशन आ गया। चलो इस मौके का फायदा लेते हैं और फार्मर्स के कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम इंडियन एग्रीकल्चर उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं। ये वीडियो उस सीरीज का पहला एपिसोड है।